घोड़ा डोंगरी गाइस रेलवे स्टेशन नाम घोड़ा डोंगरी है। ये नागपुर और बैतूल के बाद पड़ता है, इसके बाद इटारसी आता है, लेकिन इसका नाम बड़ा अद्भुत है, अलग टाइप का घोड़ा डोंगरी, ऐसा नाम आपने कभी नहीं सुना होगा। बहुत ही सुंदर रेलवे स्टेशन है, साफ सफाई भी अच्छी खासी है। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। अभी मैं यशवंतपुर गोरखपुर एक्सप्रेस में हूँ। मरा मझरी एक छोटा सा रेलवे स्टेशन है, ऊपर इस रेलवे स्टेशन पे इसका नॉन ऑफिशियल हॉल्ट था। नॉन ऑफिशियल हॉल्ट इसको कहते हैं, जहाँ ट्रेन का स्टॉपेज नहीं होता है फिर भी किसी कारणवश उसे रोक दिया जाता है तो वो स्टॉपेज नॉन ऑफिशियल हॉल्ट कहलाता है। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर, वीडियो को लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस। हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। ये इटारसी जंक्शन है। हेलो गाइस, मेरे ट्रेन लवर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। ये भोपाल का रानी कमलापति रेलवे स्टेशन है, जिसका पिछले साल पीएम मोदी जी के द्वारा भव्य उद्घाटन किया गया था।
और अभी मैं ट्रेन छोड़ के बाहर का जो नया बिल्डिंग बनाया गया है इसी रेलवे स्टेशन का, और वो नवनिर्मित बिल्डिंग है और बहुत ही नया डिज़ाइन दे करके बनाया गया है, और पूरे स्टेशन का देख सकते हैं आप जो शेड लगाया गया है, ये मैं दिखा दूँगा आप लोग को। काफ़ी चौड़ा, काफ़ी लंबा, एकदम छायादार, बारिश में एकदम आपको ये से भीगने नहीं देगा, और धूप गर्मियों में धूप नहीं मिलती, गर्मियों की धूप आपको परेशान नहीं करेगी, ऐसा शेड लगा के दिया गया है। बाहर जा सकता था तो बाहर से जो नई बिल्डिंग बनाई गई है उसका उद्घाटन किया गया था, वो भी दिखा पाता आपको, लेकिन जितना दिखा सकता हूँ उतना दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। कभी इधर आएंगे तो वो दिन में तो प्लेटफॉर्म से ही वो बिल्डिंग साफ दिखाई देती है, तो आप लोग को मैं दिखाऊँ। और सबसे पहले स्टेशनों का नवीनीकरण करने का जो स्टेशनों को नया करने का नया लुक, नया डिज़ाइन देने का जो क्रम है यहीं से शुरू हुआ था। सबसे पहले इसी स्टेशन को न्यू किया गया था, एयरपोर्ट से मिलता जुलता डिज़ाइन आजकल सभी रेलवे स्टेशनों का लुक दिया जा रहा है, एयरपोर्ट से सिमिलरिटी से मिलता जुलता। एयरपोर्ट के जो एयरपोर्ट का जो मॉडल होता है, लुक होता है, वही लुक अश्विनी माननीय अश्विनी वैष्णव जी हमारे जो रेल मंत्री हैं उन्होंने कहा था कि हम सभी रेलवे स्टेशनों को एयरपोर्ट जैसा बनाएंगे, उसमें मॉल भी हो, सब कुछ हो। तो इसी प्रकार से इस स्टेशन की जो नई बिल्डिंग बन के तैयार हुई है, जो कि सामने जो प्लेटफॉर्म दिख रहा है उसके उस पार है, उसमें मॉल वगैरह तो नहीं है, लेकिन इतना सुंदर बनाया गया कि उस बिल्डिंग से निकलने का मन नहीं करता। और मैं आप लोगों को ये भी बता देना चाहूँगा कि अभी तक का विश्व का सबसे सुंदर रेलवे स्टेशन यही है। इसका जो नवीनीकरण किया गया उसके उस नवीनीकरण के बाद इंडिया का सबसे सुंदर रेलवे स्टेशन बन के तैयार हुआ है। ऐसा सुंदर रेलवे स्टेशन रानी कमलापति के रेलवे स्टेशन के जैसा आपको
पूरे इंडिया में कहीं नहीं देखने मिलेगा। आप कभी इधर आए तो इस रेलवे स्टेशन का विजिट ज़रूर करें, अंदर भी बाहर भी। तो आपको मेरी बात सच लगी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो, जानकारी अगर अच्छी लगी हो, तो आप लोग वीडियो को लाइक कर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और हमारी ट्रेन यहाँ से डिपार्ट कर चुकी है, अब अगला स्टेशन भोपाल है। और एक बार मैं बताना चाहूँगा कि इस स्टेशन का पुराना नाम हबीबगंज था, इसी स्टेशन का नाम हबीबगंज के नाम से जाना जा रहा था। लाइटिंग इतनी मस्त है कि इसकी ब्यूटी देखनी पसंदी है। गाइस, ये जो सामने एक ट्रेन खड़ी है, ये भोपाल बिना भोपाल पैसेंजर है। मैं रायपुर छत्तीसगढ़ से हूँ, मेरा नाम रजत अवस्थी है। हमारे रायपुर में तो सिर्फ 8 ही डब्बों की ट्रेन है, सेम यही कलर की। इतनी लंबी कोच की मेमो ट्रेन नहीं दी गई है, कम से कम 10-12 डब्बे हैं, उससे ज़्यादा ही हैं। आइए मैं इधर कभी भी आपको दिखाता हूँ भोपाल रेलवे स्टेशन। गाइस, हमारी ट्रेन भोपाल रेलवे स्टेशन छोड़ चुकी है। भोपाल के प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे यशवंतपुर से चलकर गोरखपुर को जाने वाली ये एक्सप्रेस भोपाल रेलवे स्टेशन को स्किप करती हुई स्लोली स्पीड में धीरे धीरे प्लेटफॉर्म से बाहर जा रही है। और थोड़ा सा कर्व भी ले रही है। हाँ,
युवराज मामा की राजधानी है ये, भोपाल शहर की राजधानी। शिवराज मामा वाला एरिया है ये, शहर है ये। शिवराज सिंह हम सब के मामा जी हैं। हमारी ट्रेन बाहर निकल रही है और ये ट्रेन अंदर भोपाल में एंटर कर रही है, भोपाल रेलवे स्टेशन। वीडियो अगर अच्छी लगी हो गाइस तो वीडियो को लाइक करो, आप चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो, अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर भी कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।